ओम साई राम, वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विनी, और आज मैं राजा स्वामी जी का एक्सपीरियंस लेके आप लोगों के समक्ष आई हूँ, जो लखनऊ से हैं। और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है उनका कि जब सच्चे दिल से बाबा को पुकारा जाए या बाबा से कोई चीज़ कही जाए ना सच्चे दिल से, तो ये मत सोचिए कि वो चीज़ छोटी है या बड़ी है। बाबा आपकी हर एक चीज़ को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऑल टाइम। तो मैं उनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ, आप उन्हीं की वॉइस में सुनेंगे उनका एक्सपीरियंस। इसी तरीके से अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो बाबा से जुड़े, तो ज़रूर हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं उनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ। ओम साई राम, जय साई राम। मैं लखनऊ से राजा सोनी, मैं फर्स्ट अपना एक्सपीरियंस जो आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आज ही की सुबह की बात है, ये 7:50 पे, जो कि मैं स्कूली बच्चों को ले जाता हूँ, स्कूल छोड़ता हूँ, बच्चों को स्कूल से लाता हूँ और मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, तो मैं बच्चों को डेली लेके आता जाता हूँ। तो आज सुबह मैं पहुँचा जो है, तो घर से कुछ खा पी के नहीं निकला था सुबह, उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेने जा रहा था, तो एक शिफ्ट मैंने बच्चों को छोड़ आए थे, दूसरी शिफ्ट में मैं बच्चों को लेने जा रहा था, तो मुझे भूख बहुत लगी हुई थी। तो हमने बाबा से कहा, बाबा मुझे भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, क्या श्रेया के यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा? मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है बाबा। उसके बाद मैं श्रेया के घर पहुँचा, मैंने अपने गाड़ी की हॉर्न बजाई और बुलाया श्रेया। श्रेया की मम्मी आई बाहर, उन्होंने गेट खोला और उन्होंने कहा, भैया आइए, आलू का पराठा आपके लिए बना के रखें, खा लीजिए तब जाइए, समय है आपके पास? हमने कहा, हाँ भाभी जी, अभी 5-7 हमारे पास समय है। कहें, आइए पराठा खा लीजिए। फिर हम उनके यहाँ पराठा वराठा खाए, उसके बाद फिर वहाँ से चले आए। दिल से दिल बाबा से मिल जाता है एक बार में, अगर आपकी कोई चीज़ हर दिल आत्मा से मांगेंगे बाबा से, बाबा ये चीज़ मुझे चाहिए, या बाबा ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है, तो बाबा ज़रूर सुनेंगे। बाबा इस चीज़ को बहुत अंतर आत्मा की आवाज़ सुन लेते हैं। और बाबा ने हमारे साथ तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अभी हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है, और इससे पहले हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, जो कि मैं अपनी वाइफ नंदनी से बताता रहता हूँ, तो कहती है वो एक्सपीरियंस शेयर किया करो, बट मैं करता नहीं था, पर आज ही मैं पहला अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बाबा जी सुनते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। जो चीज़ आप दिल से अंदर आत्मा से निकालेंगे और बाबा से बिल्कुल फेस टू फेस जैसे बात करते हैं, ऐसे बाबा से अगर आप कहेंगे कोई चीज़, तो बाबा उस चीज़ को सुनते ज़रूर हैं। हमारी तो बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आगे मैं आप लोगों से सारी एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। आज ये पहला एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।